हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, व्हाट इज़ फेसबुक न्यू नेम। फेसबुक का जो न्यू नेम है वो क्या है, अल्फा है, बीटा है, मेटा है, जहाँ डेल्टा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन सी। सो मैं आपको बता दूं, फेसबुक का जो न्यू नेम है उसको चेंज करके आप फेसबुक का नाम चेंज करके आप मेटा जो है इसका नाम रख दिया गया है। तो फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग अनाउंस डैट फेसबुक विल बी चेंजिंग इट्स कंपनी नेम और इसका अब नाम जो होगा वो मेटा होगा ड्यूरिंग द कंपनी कनेक्ट वर्चुअल रियलिटी कॉन्फ्रेंस ऑन अक्टूबर 28, 2021। उसके साथ उन्होंने कहा, ही सेड दैट इट इज़ द टाइम फॉर अस टू अडॉप्ट अ न्यू कंपनी ब्रांड टू इनकॉम्पास एवरीथिंग डैट वी डू। तो मतलब मीनिंग इसका ये हुआ कि मार्क जुकरबर्ग जो कि सीईओ हैं फेसबुक के, उन्होंने अब जो है इस कंपनी को चेंज करके अब इसका नाम जो चेंज करके उसको मेटा रख दिया गया है। ये इन्होंने डिसीजन लिया 28 अक्टूबर 2021 को कंपनीज कनेक्ट वर्चुअल रियलिटी कॉन्फ्रेंस में। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर किसको रीअपॉइंट किया गया है, तो मैं आपको बता दूं, आरबीआई के पहले गवर्नर थे शक्तिकांत दास, तो उसी के उनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है। सो ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन सी यानी कि शक्तिकांत दास जो है उसको उनको रीअपॉइंटेड किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को हैज़ बीन रीअपॉइंटेड टू द पोस्ट फॉर ए टर्म ऑफ 3 साल के लिए इनको दोबारा से रीअपॉइंटेड किया गया है। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड हिज रीअपॉइंटमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स बियॉन्ड दिसंबर 10, 2021, यानी कि दिसंबर 10 तक इनका जो है इसके बाद का इनको टाइम पीरियड जो है 3 ईयर का रहेगा, 10 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा पहले वाला, और अनटिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा, विच सिटी इज होस्टिंग द 16th G20 समिट। कौन सी सिटी जो है होस्ट करेगी G20 समिट। रोम है, पेरिस है, स्टॉकहोल्म है, लंदन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि जहाँ पे आंसर रहेगा आपका रोम। रोम जो है एक इटली की कैपिटल है। मैं आपको बता दूँ, पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ गॉन टू इटली टू अटेंड 16th G20 समिट विच इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन रोम ऑन अक्टूबर 30 to 31, 2021। ही विल पे ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट करेंगे ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ अराइवल इन रोम एंड विल ऑल्सो कॉल ऑन पोप फ्रांसिस इन द वेटिकन ड्यूरिंग हिज 2-day visit। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा, एक्टर पुनीत राजकुमार पास्ड अवे ऑन अक्टूबर 29, 2021 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। ही वॉज ए पॉपुलर एक्टर इन विच फिल्म इंडस्ट्री। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, उस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं काफ़ी पॉपुलर एक्टर थे। अगर हम बात करें तो जहाँ पे आपने बताना कि कौन सी ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तेलुगू, कन्नड़ा, मलयालम या तमिल, तो कौन सी फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर थे, तो जहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे कन्नड़ा के, ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज के आप देख सकते हैं। पुनीत राजकुमार का आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये एक्टर आपने बहुत बार इनको मूवीज़ में देखा होगा, पुनीत राजकुमार द कन्नड़ एक्टर पास्ड अवे ऑन अक्टूबर 29, 2021 कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी जो डेथ हुई। इनकी एज जो 46 थी। रिपोर्टली बताया जाता है कि पुनीत राजकुमार जो थे वर्किंग आउट कर रहे थे जिम में, व्हेन ही कोलैप्स सडनली वो गिर जाते हैं एंड वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल, उनको इमीडिएटली पहुंचाया गया। लेटर जो पुनीत वाज एडमिटेड टू विक्रम हॉस्पिटल में, उनको एडमिट किया गया था एंड वाज रिसीविंग ट्रीटमेंट इन द इंटेंसिव केयर, और बाद में उनकी जो है डेथ हो गई। क्वेश्चन नंबर फाइव रहेगा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बिल इनोग्रेट अ हाउसिंग स्कीम फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन विच स्टेट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इनोग्रेट करेंगे हाउसिंग स्कीम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कौन सी स्टेट में, और ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन बी, तो मैं आपको बता दूँ राइट आंसर रहेगा गुजरात। गुजरात की कैपिटल जो है गांधीनगर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको राइट आउट कर सकते हैं। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद बिल इनोग्रेट अ हाउसिंग स्कीम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए एट भवनगर, ये गुजरात का, गुजरात की जगह, गुजरात में पड़ता भवनगर गुजरात ऑन अक्टूबर 29। प्रेसिडेंट बिल आल्सो बी विजिटिंग श्री चिंत्राकुंदम आश्रम, वहाँ पर भी ये विजिट करेंगे, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिल को फाइनेंस $2 billion लोन फॉर इंडिया फाइट अगेंस्ट COVID-19। तो USD आप देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स जहाँ पे आप देख सकते हैं, कौन सी दो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो को फाइनेंस करेंगे $2 billion लोन फॉर इंडिया फाइट कोविड अगेंस्ट COVID-19। WBIMF, IIB, ADB, EDB, EBRD, EIB या IDB। तो
इसके बारे में आप जहाँ पे बता सकते हैं कि कौन से दो बड़े जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करेंगे, सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपको बता दूँ IIB यानी कि ADB। तो बीजिंग पास बेस मल्टी लेटरल डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक IIB एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB बिल को फाइनेंस करेंगे $2 बिलियन लोन फॉर इंडिया टू प्रोक्योर COVID-19 वैक्सीन अंडर ADB's एशिया स्पेसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटीज। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, विच कंट्री हैज सेड दैट इट्स न्यू लैंड बॉर्डर लॉ विल नॉट चेंज कंट्रीज पोजिशन ऑन बॉर्डर इशूज। सो कौन सी जो कंट्री ने कहा है कि उनका जो न्यू बॉर्डर लैंड लॉ है, न्यू लैंड बॉर्डर लॉ जो है वो चेंज नहीं करेगा कंट्री की पोजिशन ऑन बॉर्डर इशूज के ऊपर? इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना या नेपाल? सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपको बता दूँ फ्रेंड्स यहाँ पे चाइना की बात करेंगे हम। चाइना की कैपिटल बीजिंग है और जहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना ने कहा सेड 29 दैट इट्स न्यू लैंड बॉर्डर लॉ विल नॉट अफेक्ट, ये अफेक्ट नहीं करेगा द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बॉर्डर ट्रीटीज और चेंज द कंट्रीज पोजीशन ऑन बॉर्डर रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट मैनेजेस द मुला पेरियार डैम? तो मुला पेरियार डैम कौन सी जो है स्टेट जो है गवर्नमेंट मैनेजेस करेगी, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या आंध्र प्रदेश? विच स्टेट गवर्नमेंट मैनेजेस द मुला पेरियार डैम? सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपको बता दूँ यहाँ पे तमिलनाडु है। सो मुला पेरियार जो डैम है लोकेटेड है केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, इज मैनेज टू बी बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। द डैम इज ओवर सेंचुरी ओल्ड एज इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश के द्वारा, जिसको बनाया गया था 1895 में ऑन द पेरियार रिवर, पेरियार रिवर के ऊपर इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ मदुराई इन तमिलनाडु। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे, तब तक गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।